नमस्कार साथियों एवं प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 12.1 अनुपात और समानुपात के सवाल नंबर 13 से शुरू करेंगे। सवाल नंबर 12 तक पिछली क्लास में हमने कर लिए थे। आपको ये सवाल ध्यान से समझने हैं और यदि समझ में आते हैं तो आपको इस क्लास को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताना है। और यदि आपको पूरा कोर्स प्राप्त करना है तो ये व्हाट्सएप नंबर जो आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं, इन पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं सवाल नंबर 13 से। कथन को देखें, एक होल की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:5 है। निम्न सारणी को पूरा कीजिए जो कि होल की कुछ संभव चौड़ाई व लंबाई दिखाती है। हमें यह सारणी दे रखी है, इसमें यहाँ दे रखा है होल की चौड़ाई मीटर में, यहाँ दे रखा है होल की लंबाई मीटर में। यह सारणी हमें पूरी करनी है। ठीक है ना, मतलब जहाँ पर ये खाली है इनको हमें भरना है। और ध्यान ये रखना है कि हमेशा चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना होना चाहिए, 2:5 होना चाहिए। होल है कोई, जैसे ये होल है, ठीक है ना। अब इस होल की लंबाई और चौड़ाई में यहां दे रखी है, ठीक है ना बेटा। तो देखो इसको हम कैसे भरेंगे, ध्यान देना, बहुत आसान है। आप इनमें संबंध देखना है। देखो पहले इन दोनों को देखो, इन दोनों में क्या संबंध आ रहा है। देखो 25 को अगर मैं 2 से गुणा करता हूं तो 50 आता है। 25 को किससे गुणा करें, 2 से, तो कितना आता है, 50 आता है। 25 × 50 आ रहा है ना। तो 10 को भी किससे गुणा करना पड़ेगा, दिमाग लगाओ, 2 से। भाई 25 2 से गुणा हुआ तो 50 आया, तो ये 10 भी किससे गुणा होगा, 10 भी गुणा होगा 2 से, तो कितना आएगा, 20 आएगा। तो बताओ यहाँ क्या आएगा, 20। 25 × 50 10 × 20 आ गया समझ में। अब बेटा अब ये वाला भरेंगे तो इन दोनों को देखो कोई संबंध है क्या। देखो ऊपर है दोनों नंबर, तो 20 को 2 से गुणा करो, 20 को 2 से गुणा करोगे तो 40 आता है। 20 × 40 तो 20 2 से गुणा हुआ तो ये 50 भी किससे गुणा होगा, 50 भी किससे गुणा होगा, 2 से। तो 50 × 100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 100। तो देखो ये आपकी सारणी कंप्लीट हुई, समझ में आ गया ना बेटा। तो ये सारणी बननी है। अब हम देख सकते हैं कि इन सभी में चौड़ाई और लंबाई में अनुपात कितना होना चाहिए, 2:5। तो हम सब में अनुपात निकाल के देखेंगे कैसे। देखो ध्यान देना, 10:25, मतलब अनुपात को हम भाग में लिख सकते हैं, बटे में लिख सकते हैं। अब बेटा काटो इनको, किसका भाग जा रहा है बताओ, 5 का, 5 × 10 और 5 × 25 आ गया ना, कितना, 2:5 आ गया इन दोनों में। अब इन दोनों में देखो 20/50। अब देखो बेटा 0 से 0 कट गया, क्या बचा, 2:5, तो इसमें भी 2:5। अब यहां भी देखो 40/100, देखो 0 से 0 कट गई। अब ये दोनों और कटेंगे, 2 से 2 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 5 बार, तो यहां भी अनुपात कितना आ गया, 2:5, मतलब बिल्कुल सही है, आ गया समझ में। तो ऐसे सारणी बननी थी और चेक करना था कि सब में अनुपात होना चाहिए 2:5, आ गया समझ में। देखो सवाल नंबर 14, शीला और संगीता के बीच 20 पेनों को 2:3 में बांटिए। 20 पेन है, अब 20 पेन में शीला को भी देने हैं और संगीता को भी देने हैं। अब अनुपात कितना है, 2:3। तो देखो कैसे बांटेंगे बेटा इनको, सबसे पहले तो देखो शीला का अनुपात किससे है, संगीता से, कितना है बच्चों, 2:3 दिया हुआ है। और कुल पेन, टोटल कितने पेन है, टोटल पेन है 20, 20 पेन है ना, टोटल 20 पेन है। अब इस 20 पेनों को इन दोनों में बांटना है, तो देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अनुपातों को जोड़ना पड़ेगा, अनुपातों का योग करना है आपको, जोड़ना है। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे अनुपातों का योग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझना, और आगे आने वाली क्लासों में इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। अनुपातों का योग करो, 2+3 तो कितना आ गया, 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 आ गया। अब हम निकालेंगे शीला,
शीला को कितने पेन मिले, शीला को मिले पेन, ठीक है ना, शीला को मिले पेन। अब देखो सबसे पहले शीला का अनुपात, शीला का अनुपात दो, तो यहाँ दो लिखना है, बटे में कुल अनुपात, बताओ अनुपातों का योग क्या है बेटा, पाँच, और गुणा में कुल पेन, कुल पेन कितने हैं, बीस, ठीक है। शीला को मिले पेन हम कैसे निकालते हैं, शीला का अनुपात दो, बटे में अनुपातों का योग कितना, पाँच, और गुणा करना है जितने पेन है, बीस पेन, तो बीस से, ठीक है। अब देखो काटो, पाँच चौका बीस, चार बार, अब चार को दो से गुणा करेंगे तो चार दूनी आठ पेन, तो बताओ बेटा शीला को कितने पेन मिलेंगे, आठ पेन मिलेंगे। अब संगीता का आसानी से निकाल सकते हो, बताओ संगीता को मिले पेन, संगीता को मिले पेन। अब देखो वैसे बता सकते हो 20 में से 8 किसको मिल गए, शीला को, तो बताओ बचे कितने, 20 में से 8 घटा दो 12 बचे ना, तो 12 किसको मिलेंगे, संगीता को ही मिलेंगे ना, तो इसको भी इसी तरीके से निकालो तुम, कैसे बेटा, संगीता को मिले पेन, पहले संगीता का अनुपात 3 बटा अनुपातों का योग 5 गुणा, अब कुल पेन कितने हैं 20, तो ये 20, ठीक है। अब काटो, पाँच चौका 20, चार बार, चार को तीन से गुणा करेंगे तो चार तिया 12 पेन, कहा था ना मैंने 12 पेन मिले हैं, तो देखो 12 ही पेन मिले हैं, आ गया समझ में, तो ऐसे करना है, उतारो पहले। सवाल नंबर 15, एक माता अपनी बेटी श्रेया और भूमिका में 36 रुपए को उनकी आयु के अनुपात में बांटना चाहती हैं। यदि श्रेया की आयु 15 वर्ष और भूमिका की आयु 12 वर्ष हो तो श्रेया और भूमिका को कितना कितना मिलेगा, तो देखो ध्यान दो बेटा, एक माँ है माता जिसके पास कितने रुपए हैं, 36 रुपए हैं। अब ये 36 रुपए को अपनी दो बेटियां को देना चाहती है, शेरिया को भी देना चाहती हैं और भूमिका को भी देगी 36 रुपए में से, ठीक है ना। अब ये इनको देगी उनकी आयु के अनुपात में, आयु के अनुपात में देना चाहती हैं, ठीक है। अब देखो शेरिया की आयु 15 वर्ष है और भूमिका की आयु 12 वर्ष है, तो बताओ शेरिया को कितना मिला और भूमिका को कितना मिला। तो देखो यहां ध्यान दो, आयु के अनुपात में बांटना चाहती है ना, आयु के अनुपात में, तो अनुपात नहीं दिया हुआ है, तो पहले हम आयु का अनुपात निकालेंगे फिर बताएंगे कि 36 रुपए में से दोनों को कितने कितने पैसे मिले। तो देखो सबसे पहले तो माता के पास कुल रुपये, बताओ बेटा माता के पास कुल कितने रुपए हैं, 36 रुपए, ठीक है, यही है ना 36 रुपए, ठीक है। अब इनको बांटना है शेरिया की आयु, बताओ बेटा शेरिया कितने साल की है, 15 वर्ष की, और दूसरी कौन है, भूमिका, भूमिका की आयु, भूमिका की आयु, बताओ बेटा भूमिका की आयु कितनी है, भूमिका कितने साल की है, 12 वर्ष की, ये तो मैं सवाल में दे रखा था तो हमने लिख लिया, ठीक है। अब दोनों की आयु का अनुपात निकालेंगे, दोनों की आयु का अनुपात, ठीक है ना, क्योंकि हमें अनुपात में बांटना है। तो देखो सबसे पहले हम शेरिया कितनी, 15 साल की, 15 वर्ष, अनुपात भूमिका कितने वर्ष की, 12 वर्ष की, तो ये 12 वर्ष, ठीक है। और मैंने कहा है आपसे कि अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं, तो लिखो 15/12, ठीक है। अब दोनों को काटो, किस संख्या से कटेंगे, तीन से कटेंगे ना, तीन पंजो 15, तीन चौको 12, तो ये आ गया आपके 5:4, ठीक है। अब 36 रुपए को इस अनुपात में बांटना है, जैसे सवाल नंबर 14 किए सेम वैसा का वैसे ही, ठीक है। सबसे पहले अनुपातों का योग कर लो, अनुपातों का योग, ठीक है ना, 5+4, 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है ना। जब भी कोई राशि
दो अनुपातों में बांटनी हो तो आपको अनुपातों का क्या करना है, योग करना है। ठीक है बेटा, अब बांटेंगे। सबसे पहले तो लिखेंगे सेरिया को मिले रुपये। ठीक है, सेरिया को मिले रुपये। तो सबसे पहले सेरिया का अनुपात, सेरिया का अनुपात ये रहा 5, क्योंकि सेरिया 15 साल की है और 15 से 5 निकला था, 5 आ जाएगा, बटा अनुपातों का योग 9 गुणा कुल रुपये। कुल रुपये कितने हैं, 36, तो ये आ जाएगा 36। ठीक है, सेरिया को मिले रुपये, सेरिया का अनुपात 5, अनुपातों का योग 9, कुल रुपये 36। ठीक है, अब काटेंगे 9 का पाड़ा, 9 चौका 36, 4 बार गया, अब 4 को 5 से गुणा करेंगे, 4 पंजो 20 रुपये। तो बताओ बेटा सेरिया को कितने मिलेंगे, 20 रुपये मिलेंगे। अब बताओ भूमिका को कितने मिलेंगे, उसके पास टोटल 36 थे, 36 में से 20 मिल गए, बचे कितने, 16 बचे ना, तो भूमिका को कितने मिलेंगे, 16। लेकिन उसको भी हम यहाँ निकालेंगे, भूमिका को मिले रुपये। अब देखो भूमिका का कैसे निकालेंगे, सबसे पहले भूमिका का अनुपात कितना है बेटा, 4, बटा अनुपातों का योग 9 गुणा कुल रुपया 36, तो ये 36 काटेंगे। देखो 4 9 चौका 36, 9 का भाग 4 बार, 4 को 4 से गुणा किया तो 4 चौको 16 रुपये। ठीक है, ये आ गया, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से हमें ज्ञात करना है। तो अगर बेटा किसी राशि को दो हिस्सों में बांटना है तो पहले उसका अनुपात निकालो, फिर अनुपातों का योग करो, फिर ये निकालो। ठीक है, उतारो पहले। सवाल नंबर 16, पिता की वर्तमान आयु 42 वर्ष और उसके पुत्र की 14 वर्ष हैं, अनुपात ज्ञात कीजिए। बेटा पिता की आयु तो 42 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु 14 वर्ष है, अब अनुपात ज्ञात करना है, मैं ये 4 बता रखे हैं, तो ध्यान से देखना, बहुत आसान है। पिता की वर्तमान आयु का और पुत्र की वर्तमान आयु का पहले अनुपात ज्ञात करना है। पिता की वर्तमान आयु अनुपात पुत्र की वर्तमान आयु में, ठीक है, पिता की वर्तमान आयु अनुपात पुत्र की वर्तमान आयु। तो देखो बेटा बताओ पिता की वर्तमान आयु कितनी है, 42, तो ये 42 अनुपात पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, 14, तो आ जाएगा 14। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था हम अनुपात को बटे में भी लिख सकते हैं, तो लिखिए बटे में 42 बटे में 14। ठीक है, अब बताओ दोनों किसके पहाड़े में आते हैं, दोनों किसके पहाड़े में आते हैं, 14 के में, कट जाएंगे ना, काटना है 14 से कटेंगे, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 3 42, तो ये 3 बार। ठीक है, तो क्या आ गया, 3/1 अनुपात में लिखोगे तो 3:1, ये हो जाएगा इसका आंसर। आ गया बच्चों समझ में, तो पिता की वर्तमान आयु और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 3:1 है। ठीक है, अब देखो बी वाला, पिता की आयु का पुत्र की आयु से जब पुत्र 12 वर्ष का था, अभी हमें पिता की आयु का पुत्र की आयु से अनुपात निकालना है। जब पुत्र कितने साल का था, 12 साल का, तो देखो पुत्र अभी कितने साल का है, 14 साल का है, 14 साल का है ना, अब यहां कितने साल का है, 12 साल का, मतलब 2 साल पहले की बात हो रही है, 2 साल पहले की, जब पुत्र कितने साल का था, 12 साल का था। ठीक है ना, तो अगर बेटा पुत्र 12 साल का था तो पिता भी क्या होगा, कम होगा, 14 में से 2 गए तो 12 आए, तो 42 में से भी क्या करने पड़ेंगे, 2 कर कम करने पड़ेंगे, क्योंकि देखो जब पिता की आयु, पिता की आयु क्या हो जाएगी, अभी कितनी है, 42, इसमें से 2 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगी, 40 वर्ष हो जाएगी। भाई जब पुत्र 12 साल का था तो पिता कितने साल का होगा, 40 साल का होगा ना,
क्योंकि अभी तो पुत्र कितने साल का है, 14 साल का, लेकिन बात कब हो रही है, जब पुत्र 12 साल का था, मतलब 14 में से 12 दो घटाने पर आएंगे, तो यहां से भी हम दो कम कर देंगे, ठीक है, क्योंकि जब पुत्र 12 साल का था तो पिता 40 का होगा, और जब पुत्र 14 का हो गया तो पिता 42 का हो गया, ठीक है। अब निकालो, अब फले तो कौन है, पिता की आयु, पिता की आयु अनुपात, फिर कौन है, पुत्र की आयु, ठीक है। तो बताओ बेटा, पिता की आयु कितनी, 40 साल, अनुपात पुत्र की आयु कितनी, 12 वर्ष, ठीक है ना। अब अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं, 40/12। अब भाग लगाओ, किससे कटेंगे बेटा, 2 से, 2 से 2 दूनी 4, 20 बार, 2 से ये 6 बार, फिर 2 से ये 10 बार, और 2 से ये 3 बार, ठीक है ना। 2 का भाग इसमें 6 बार गया, और 2 का भाग इसमें 20 बार गया, फिर 2 का भाग इसमें 3 बार गया, फिर 2 का भाग इसमें 10 बार गया, तो कितना आ गया, 10/3। अब दोनों नहीं कटेंगे तो इसको अनुपात में लिखेंगे तो 10/3 आ जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो देखो, पुत्र की आयु 2 साल कम हुई थी, तो पिता की क्यों भी कितने कम कर दो, 2 साल कम कर दो, तो ये अनुपात बन जाएगा। देखो अगला सी वाला, 10 वर्ष बाद पिता की आयु का 10 वर्ष बाद की पुत्र की आयु से। अब 10 साल बाद की बात हो रही है, 10 साल बाद, बाद की बात हो तो जोड़ना है, और पहले की बात हो तो घटाना है, तो बाद की बात हो रही है, तो यहां देखो सबसे पहले 10 वर्ष बाद पिता की आयु, अभी पिता कितने साल के हैं बेटा, वर्तमान, अभी अभी पिताजी 42 साल के, 42 साल के, तो 10 साल बाद कितने के हो जाएंगे, 42 में 10 और जोड़ लेंगे तो हो जाएंगे 52 वर्ष के, कितने हो जाएंगे बेटा, 52 वर्ष के। और 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु, 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु, अब बेटा पुत्र अभी कितने साल का है, पुत्र अभी 14 साल का है, तो 14 में भी कितना जोड़ लेंगे, 10 जोड़ लेंगे, तो यह आ जाएगा कितना, 14 में 10 जोड़ा तो 24 वर्ष आ जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ गया, 10 साल बाद दोनों में 10 10 जोड़ देंगे। अब हमें ज्ञात करना है अनुपात, पिता की का किससे, पुत्र से, ठीक है ना, पहले पिता है और बाद में पुत्र है, तो पिता अनुपात पुत्र, पिता कितने साल का बेटा, 52 साल का, पुत्र कितने साल का, 24 साल का, अनुपात को भिन्न में लिख सकते हैं 52/24। अब दोनों में काटो, किसका भाग जा रहा है, काटो बेटा, 2 से काट लो, 2 से ये 2 दुनी 4, 1 बच गया तो 12 हो गया, 6 दुनी 12, 26 बार, और 2 से 2 एकम 2, 2 दुनी 4, 12 बार, 2 का भाग इसमें 26 बार, 2 का भाग इसमें 12 बार, फिर काटो, 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 3 दुनी 6, 13 बार, और 2 से ये 6 बार, तो कितना आ गया, 13/6 आ गया। अनुपात में लिखो क्या होगा, 13/6, तो ये आ जाएगा आंसर। तो 10 वर्ष बाद दोनों के आयु का अनुपात कितना होगा, 13/6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो डी वाला, पिता की आयु का पुत्र की आयु से, जब पिता 30 वर्ष का था, पिता कितने साल का था, 30 साल का, तो देखो 30 साल का था तो 30 कब आया, जब 42 में से कितना कम हुआ, 12 कम हुआ, तो बताओ पिता 30 साल का था तो पुत्र कितने वर्ष का होगा, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु, अरे भाई जब पिता कितने साल का था, 30 साल का, तो पुत्र भी कम का होगा ना, अभी पिताजी 42 साल के हैं, ठीक है, तो 42 में से कितना घटाएंगे, 30, 30 घटाएंगे तो 2 में से 0 गया तो 2, 4 में से 3 गया तो 1, कितने साल कम हो गए पिताजी की उम्र, 12 साल, 12 साल कम हो गई ना आज से, आज 42 साल के हैं, लेकिन ये पूछ रहा है जब पिताजी 30 साल के थे, ठीक है, तो 12 साल कम हो गई, तो पुत्र में भी क्या करनी पड़ेगी आपको, 12 साल कम करनी पड़ेगी, तो 14 है तो 14 में से 12 कम कर दो तो कितनी ही, 2 वर्ष, ठीक है। जब पिताजी 30 साल के थे तो पुत्र कितने साल का था, 2 साल का था। अब अनुपात निकालो, पिताजी की आयु में अनुपात पुत्र की आयु, ठीक है, पिता की आयु अनुपात पुत्र, तो पिताजी तो आयु 30 साल है और पुत्र की आयु 2 वर्ष है, ठीक है, तो बटे में लिख सकते हैं बेटा 30/2।
अब दो का भाग एक बार, दो का भाग 15 बार, तो आ गया 15 बटा एक, मतलब 15 अनुपात एक, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये कंप्लीट आपकी प्रश्नावली 12.1 समाप्त होती है। जल्दी हम 12.2 करेंगे। अगर बेटा आपको समझ में आते हो तो लाइक करके, कमेंट करके या व्हाट्सएप करके मुझे ज़रूर बताओ, और अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इस चैनल पर जोड़ने का आप प्रयास करो। ठीक है, उतारिएगा।